कि हमें जो है ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ लॉयल होना पड़ेगा और उनकी जो हमें जो है ना पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ेगा और हमें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा तो हम कंप्लीट कर सकते ऑल राइट, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू सेड, 101% ऑल राइट। लेकिन ये बीच में जुमले मोमल है अल्फाज कि जी हमें सर। जो है ना उनके साथ लॉयल होना पड़ेगा और हमें जो उनकी जो है ना वो हमें पॉलिटिक्स के साथ से अलूफनेस, ये जो हमें जो है ये क्या है? ओके ओके ये ओके ओके ठीक है सर। तो ख्वाजा साहब कहते हैं ना, अभी जो हुकूमत जो है और वो जो है और मियां साहब जो है उन्होंने जो है वो कह दिया है कि ये जो है ये जो पॉलिसी जो है जो हुकूमत जो, ये क्या है भाई, ये जुमले मोहम्मद नबी ठीक है जी इंसान साहब, ओके सर नो प्रॉब्लम। बच के रहना, एग्जैक्ट बात बतानी है ठीक है। ओके एग्जैक्ट सर है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है भाई। जी सर राइट ओके, सीधी सीधी बात किया करें हमारे साथ आप, उसको बात ओके समझ में सर क्या कह रहा हूं। जी सर मैं ये कह हाँ रहा हूं कि सर सैयद अहमद खान जो हैं उनकी ट्रिनिटी पॉलिसी ये थी कि एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, ट्राई टू बिकम लॉयल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और तीसरी चीज क्या है, गेट द मॉडर्न एजुकेशन। जब मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी तो आपका सिलसिला बनेगा जॉब्स का, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन खाली से हसान हमें जॉब नहीं मिलनी थी, जब तक बिल्कुल हम उनकी लॉयल्टी हासिल ना, उनको लॉयल्टी प्रूव ना करते और जब तक हम उनकी एनिमिटी जो है उसे रिमूव ना करते एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स इख्तियार करके, सो दैट दे वुड हैव बीन एबल टू नो कि ये मुसलमान जो है ये तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, सो ये हमारे कंपेरेटर नहीं है, तो ना आप उनके कंपेरेटर बने ना वो आपसे खौफजदा हो, पॉलिटिक्स से आप एलूफनेस इख्तियार कर लें और लॉयल्टी उन्हें शो कर दें, एजुकेशन हासिल कर लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे दुश्मनी है नहीं तो आपको जॉब्स मिलनी शुरू होंगी, व्हेन यू विल बी गेट द जॉब्स तो यू विल बी हैविंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, व्हेन यू विल बी हैविंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ओनली देन यू विल बी हैविंग द सोशल रिस्पेक्ट, व्हेन द सोशल रिस्पेक्ट विल बी देयर तो योर रिलीजन विल बी रिस्पेक्टेड, व्हेन योर रिलीजन इज जिस रिस्पेक्टेड तो इट मींस कि यू आर कैटेगराइज्ड एज अ नेशन एंड एज अ नेशन यू आर रिस्पेक्टेड। सो दीज आर द वैल्यूएबल सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन सर सैयद अहमद खान, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज वैल्यूएबल सर्विसेज मेनी पीपल आर देयर हु आर नॉट हैप्पी विद द एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान, रादर दे वर अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान। तो आई टोल्ड टू यू पीपल कि हैड दोज बीन सम ऑर्डिनरी पीपल जो एतराज कर रहे थे सर सैयद पे, अगर तो कहते आम लोग होते तो देयर स्टेटमेंट्स वुड हैव बीन इग्नोर्ड वेरी इजीली, लेकिन वो आम लोग नहीं थे भाई, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। ये हाजी सैयद आबिद हुसैन है, ये मौलवी जुल्फिकार अली साहब हैं, ये मौलवी फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने देवबंद फॉर्म किया था, इनका अपना तारीख में बहुत बड़ा मकाम है, बहुत सर्विसेज हैं इस्लाम के लिए इनकी सब कॉन्टिनेंट में, इनकी स्टेटमेंट्स को इतने आराम से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहते थे कि सर सैयद तुम काफरों के एजेंट हो, सर सैयद यू आर द ब्रिटिशर एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, और कहते थे कि सर सैयद यू आर इम्प्लीमेंटिंग द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स। यहां तक समझ आई आपको बात जी सर सारी? बिल्कुल समझ आ गई सर मैं ये कहता हूं कि इस एक जुमले को लिखे पहले, जी सर सर सैयद यू आर द एजेंट ऑफ, सर सैयद यू आर एजेंडा यू आर द एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। दूसरा जुमला लिखें इसके नीचे एक लाइन छोड़ के, सर जी सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स, सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स। ये जो जुमला है इसको डब्बे में डाल दे, बॉक्स में, ओके सर डब्बे में, किसमें डाला भाई, डब्बे में सर डब्बे में डब्बा, डब्बे डब्बे में में केक एक, ओ मेरा प्यारा दोस्त, लांतियों में एक, ठीक है नो जी सर लोग ऊपर से नेक लोग ऊपर से अच्छा नेक अंदर अंदर से सांप ऊपर से नेक अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह।
वेरी गुड, आपने भी मिसरा मुकम्मल किया है जी। तो हसान को शेर सुनाओ यार, कोई शेर आता था सर शेर, कोई? नकर नहीं नहीं ये वक्त नहीं है नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। वाह 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 जी वाह, क्या खूबसूरत आपने सनते तकरार इस्तेमाल की है जी। नहीं नहीं से है जी, फूल जी सर, लेकर फूल आया, फूल से मैंने कहा तुम तो खुद ही फूल थे, फिर फूल लाए किस लिए, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, और जिस चाह की मुझको चाह थी वो चाह ना मुझको मिल सकी, इस चाह की मुझको चाह नहीं, इस चाह को चाह में डाल दो। ठीक है आसान, जी सर, सनते तकरार। वो कहते हैं अहमद शाह साहब, कहते हैं ऊपर से नेक अंदर से फेक। वाह जी वाह, सोबिया नवाज ने बहुत अहम बात की है जी। वो कहती हैं हा, मेरे नजदीक जिंदगी में सबसे अहम बात यही है कि इंसान खुश रहे। ओके, तो ये आम लोग होते तो देयर स्टेटमेंट्स वुड हैव बीन इग्नोर्ड, लेकिन ये तो खुद बहुत बड़े लोग हैं तो ये कहते थे सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या ये लोग ठीक कहते थे या क्या ये गलत कहते थे, इट्स येट टू बी डिसाइडेड। और डिसाइड कैसे किया जाएगा जी, इसे डिसाइड करते हैं जरा सा माजी में जाके। ठीक है जी आसान, सर, माजी में चलें, चले सर, आई एम निकाल रेडी अपना गैजेट, गैजेट निकाल अपना डोरेमोन वाला, चले माजी में। रेडी सर, मैं रेडी हूं बस। है, चले जी माजी में। जी सर, 1830, 1830 में इंग्लैंड में एक पाई था, कौन था आसान? भाई सर, भाई नहीं, पाई, एक पाई पाई था। जी, एक पाई था पाई जी, जा वो कहता है उसका नाम था जी लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। तो उन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड मैकॉले को कि जा मैकॉले जा। ठीक है, क्या कर ओके फंसा, के जा क्या निकाले जी जा। ले अपनी जिंदगी। ठीक है, मैकॉले सब कॉन्टिनेंट को जा, ओके और गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम, और हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर कि हाउ वी कैन कंकर सब कॉन्टिनेंट अलोंग विद इट्स मैसेस। क्योंकि एक मरतबा किसी जगह पे कब्जा कर लेना आसान होता है, बट इफ यू वांट टू प्रोलॉन्ग योर रूल इन दैट एरिया तो यू हैव टू कंकर द हार्ट्स ऑफ द लोकल्स, द नेटिव्स एज वेल। तो लोगों के साथ कंकर कैसे करें सब कॉन्टिनेंट को, तो मैकॉले आ गया जनाब इंडिया, जी वेला में सर, कॉल, गली गली मल्ला मल्ला घूमा, और फिर मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को एक रिपोर्ट दी। 2 फरवरी 1835 मैकॉले एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है तारीख में मैकॉलेज रिपोर्ट। ओके मैकॉले इस रिपोर्ट में कहता है कि आई हैव मूव्ड ऑल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड हैव फाउंड नो बैगर, नो थीफ, हाई मॉरल वैल्यूज, हाई कैलिबर ऑफ द पीपल, सो वी कैन नॉट कंकर सब कॉन्टिनेंट अलोंग विद इट्स मैसेस। तो ये तो नाकामी की रिपोर्ट है। तो फिर मैकॉले आगे कुछ रिकमेंडेशंस देता है जिनको तारीख में हम कहते हैं मैकॉलेज रिकमेंडेशंस। एडमन ओके भेजती हुई है इनको, अच्छा ये पिक देखिए जो आपको भेजी है, मैकॉलेज रिकमेंडेशंस। इसमें ये ऊपर देखिए ब्लैक मार्कर से जो कट्ठा लिखा हुआ है, लॉर्ड मैकॉलेज रिकमेंडेशंस, और इसमें ओके पहली रिकमेंडेशन देता है, कहता है चेंज देयर कल्चर, इनका कल्चर बदल दो। दूसरा कहता है रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इनका तालीम का पुराना निजाम बदल दो। तीसरा वो कहता है कि मेक देम रियलाइज दैट देयर नेटिव लैंग्वेज इज इंफीरियर देन इंग्लिश। आइए मैकॉलेज रिकमेंडेशंस को तफसील में देखते हैं। सबसे पहली है
चेंज देयर कल्चर। कल्चर भाई कल्चर क्या था? कल्चर ये था कि हूसोएवर वुड बी द इन्वेडर जबरदस्ती मुल्क में घुसेगा, उसे मिलके लड़के मार के यहां से निकालेंगे। तो कहता है ये कल्चर चेंज कर दो। तो जब ये कल्चर चेंज होगा हसन, तो फिर जी ये सर वाइस जाएगा, चेंज होके वाइस वर्सा जाएगा, और यहाँ बिल्कुल के लोग जो है वो इन्वेडर से लड़ने की बजाय उसके साथ मिल लॉयल जाएंगे हो जाएंगे। बिल्कुल ओके दूसरी जी सर बिल्कुल बात, मुस्वा इमरान कह रहे हैं कि जी पिक नॉट सेंड। हसान पिक पहुंच गई भी आपको बोर्ड की? लेट मी चेक सर ऑनवर्ड सर और भी लोग चेक करें, यहाँ पे लिखें फरखजेब, आप भी इजाजत लेके लिखें यहाँ पे। सर नहीं आई नहीं आई जी पिक, नहीं आई हुई एडमंड साहब। बहुत सारे लोग कह रहे नो सर नो सर नो सर नो सर नॉट येट सर। ओके तस्वीर भेजें जी बच्चों को, भेज दी खैर भाई सर तस्वीर। बोर्ड की पिक है कोई बात नहीं आ जाएगी थोड़ी देर में तस्वीर उसने भेज दी अपनी, ये लिख कर आपकी मर्जी है चाहे जिस नजर से देखिए। ठीक है जनाब, वाह वाह सर पढ़ाओ। वाह फरखजेब माशाल्लाह कहते हैं सर हाउस चीफ सेड नो, वेल आई एम द बॉस इन माय हाउस, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, मेरे घर पे अपनी मेरी जाती हुकूमत है, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, मैं कमांडो आदमी हूं, लेकिन आई एम द बॉस ऑफ द ऑफ माय हाउस एंड आई हैव गॉट द परमिशन ऑफ माय वाइफ टू से सो कि आई एम द बॉस। ओके अहमद शाह साहब कहते हैं सर ये मुकाले की रिकमेंडेशंस तो सर सैयद वाली पॉलिसी से ही मिलती। मुकाले नहीं है भाई, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, मुकाले वाला नहीं, मुंह काला लॉर्ड, उसने लॉर्ड मैकॉले का मुंह ही काला कर दिया, कहते वो मुंह काला था। सर खत्म कहते हैं सर आर दीज 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड इन मैकॉले रिकमेंडेशंस? जी वही बता रहा हूं ना, उसने रिकमेंडेशंस क्या दी है मैकॉले ने, वो कहता है चेंज देयर कल्चर। एडमन भाई सही तस्वीर भेज देना मेरी, मेहनत करने का क्या फायदा, मैंने मेहनत करके लिखा है इसको का है? तो यार उनको सेंड कर देना भाई, वो फायदा क्या सेंड, बाद में सेंड करने का अगर लिखने में टाइम जाया होना तो। हाँ जी चेंज देयर कल्चर, दूसरी बात रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो हसान यहां कौन सी कोई यूनिवर्सिटीज चल रही थी, कौन से एजुकेशन सिस्टम की बात करता है? मैं बताता हूं जी सर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ये था कि 5 6 7 साल की उम्र तक बच्चे जो हैं, चाहे सिखों के थे चाहे मुसलमानों के थे चाहे हिंदूज के थे, वो अपने घरों में बुजुर्गों के पास रहते थे, नाना दादा मामा चाचा फूफा ताया खालू, इनसे वो किन किन से आसान, सर चाचा मामा दादा फूफा खालू फूफा सारे इतनी तेज कहना था ना, मामा ताया फूफा चाचा ताया खालू, अच्छा चले जी लोगों से वो एजुकेशन हासिल करते थे, और दे वर इनकलकेटेड द नोबल वैल्यूज द मॉरल वैल्यूज, क्योंकि कोई भी बुजुर्ग हो किसी भी मजहब का हो वो बच्चे को ये नहीं सिखाता कि मेरा काका इतना पाल है, बड़ा होके सबसे बड़ा चोर बनेगा, वाह जी वाह, कत्ल करेगा, नहीं कोई ऐसा बच्चे को नहीं नहीं सिखाता। सिखाता ठीक है जी, तो बच्चे मॉरल वैल्यू सीख के बड़े होते थे। हर रिलीजन की बेस जो है वो ह्यूमैनिटी जरूर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जरूर है, तो वो जी सर बच्चे जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पढ़ के सीख के बड़े होते थे, और जब 7 8 साल के होते थे तो रिस्पेक्टिवली अपने अपने रिलीजन्स के मुताबिक मंदिरों में और मदरसों में मस्जिद में जाते थे, वो भी मजहब जो है वो भी आपको ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। कोई भी मजहब हो दुनिया का, कोई मजहब आपको ब्लडशेड नहीं सिखाता, कोई मजहब आपको चोरी डाका कत्ल नहीं सिखाता, जुल्म नहीं सिखाता, हर रिलीजन जो है उसकी बेस ह्यूमैनिटी होती है, तो वो जी सारे सर बच्चे जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सीख के बड़े होते थे। ठीक जी है, सर जी तो सर वो जब बड़े होते थे इन मॉरल वैल्यूज के साथ, तो जो मॉरल वैल्यूज वाला बंदा है वो चोर नहीं होता, वो भिखारी नहीं होता, ठीक है, वो हाई जी मॉरल सर वैल्यूज वाला होता है, हाई कैलिबर वाला होता है। तो यही तो मैकॉले कह रहा है कि जी इनका सर एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम बदल दो ताकि ये हाई मॉरल वैल्यूज सीखने की बजाय ये बेवकूफ उस्ताद को बाप समझते हैं, इनको ये सिखाया जाए कि उस्ताद जो है सिंपली एन एम्प्लॉय, एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ योर्स, द वे मेनी अदर पीपल सर्व यू, द वॉचमैन, द गार्ड, द गार्डनर, द शेफ, एवरीबडी हु इज सर्विंग यू, हु इज बीइंग पेड बाय यू, ही इज योर सर्वेंट. आप टांगे में स्कूल आते हैं, जो भी आप उसको एक आना एक पैसा सुमाने के मुताबिक देते हैं, टांगे वाला जो है दैट हैज बीन हायर्ड बाय यू, वो आपका एम्प्लॉय है. तो वो एम्प्लॉय होके पैसे लेके अपने अपने जो काम है इरिस्पेक्टिवली वो करते हैं, उस्ताद जो है वो पढ़ाता है. तो बाप का दर्जा काहे को भाई. तो ये जब आप बाप का दर्जा देते हैं तो उस्ताद की बात आपके जहन में नक्श रहती है, लेकिन जब आप उसको एम्प्लॉय समझ के चलते हैं तो फिर उसकी बातें नक्श नहीं होती, वो सिर्फ सिलेबस पर सिलेबस पढ़ते हैं आप उसको और वहीं पे बात खत्म हो जाती है वो. तो ये इसने कहा कि रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और आखिरी बात देखिए कितनी अहम है जिसकी तरफ कभी कोई तवज्जो नहीं करता, लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन है. असली बेड़ा गर्क वो कर गया हुआ सब कॉन्टिनेंट का लॉर्ड मैकॉले. उसने रिकमेंड किया कि मेक देम रियलाइज नेटिव्स को, मेक देम रियलाइज that their native language is inferior than English. जी सर. तो जब कोई ये मान लेता है कि मेरी native language आपकी language से inferior है, तो वो सिर्फ यही नहीं मान लेता कि मेरी जबान आपकी जबान से कमतर है, वो ये भी मान लेता है कि मेरी कौम आपकी कौम से कमतर है. इतना लैंग्वेज का. तो हसान साहब आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने ऐड दिया एडमिनिस्ट्रेटर रखने के लिए, दो लड़के आए हैं, एक एमए इंग्लिश है एक एमए उर्दू है, आप एमए इंग्लिश वाले को प्रेफर कर देंगे. ट्रू सर. कि नेटिव लैंग्वेज को इनफीरियर समझना, हूसोएवर स्पीक्स इंग्लिश इन आवर सोसाइटी, हम खाम खा उससे मरूब हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन ये सर ऐसी ऐसी जगह इंग्लिश बोलते हैं हम कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते. अमरूद वाले को जाके कहते हैं जनरल व्हाट इज द रेट ऑफ दीस गावस टुडे, लुक ऑसम. ठीक है. तो मुझे तो नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है. अच्छा जी, मारिया आसिफ कहती हैं जी कि सर इज दिस क्वेश्चन ऑथेंटिक, इफ यू लुक इट अप इट हैज बीन वाइडली डिसक्रेडिटेड एज अ होज. कौन सा क्वेश्चन बेटे, किस क्वेश्चन की बात कर रही है मुझे पता ही नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इट इज एम्बेडेड इन अस. बिल्कुल मुस्तफा इमरान ठीक कहते हैं, ये हम में मौजूद, अब तक मैकॉले की ये रिकमेंडेशन हमारे में मौजूद है कि वी ऑलवेज प्रेफर द लैंग्वेज द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. मारी ऐसा कहती है कोटेशन है क्वेश्चन ये. अच्छा बेटे आई एम वेरी सॉरी, फिर से वो दूर है जरा से, मुझे वो पढ़ने में जरा सी उसे दुश्वारी, कोटेशन ही लिखा हुआ आपने. ठीक है. कौन सी कोटेशन ऑथेंटिक है, इफ यू लुक इट अप इट हैज बीन वाइडली डिस्क्रेडिटेड एज. भाई कौन सी कोटेशन का जिक्र कर रही है, मैंने तो कोटेशन की बात ही नहीं की बेटा. लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन की बात करें ना, कोटेशन कहां से आ गई बीच में. रिकमेंडेशंस हैं बेटा, बिल्कुल यही उसकी रिकमेंडेशंस हैं. अब वो ऑथेंटिक है तो मैं उन्हें क्या करूं. अच्छा जी मेरी बात सुनो, ध्यान से छोड़ो सर. ये तीन रिकमेंडेशंस हैं लॉर्ड मैकॉले की, चेंज देयर कल्चर, रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एंड मेक देम रियलाइज दैट देयर नेटिव लैंग्वेज इज इंफीरियर देन इंग्लिश. तो भाई ये तो मैकॉले ने रिकमेंडेशंस दे दी. मैं ये कहता हूं कि इनको इंप्लीमेंट करता कौन नजर आ रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है कि लॉयल हो जाओ, उनके साथ दुश्मनी छोड़ दो और मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो. स्कूल कौन खोल के दे, सिंपली एम्प्लॉइज, नथिंग एल्स, नॉट लाइक फादर. जी हां नायाब अजहर शजीहा नकवी और अहमद शाह कहते हैं सर सैयद अहमद खान. यस ऑफ कोर्स सर सैयद अहमद खान. तो वो मैंने डब्बे में आपको एक बॉक्स में मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, शाह अहमद पढ़ना, वो क्या है सर सैयद, यू इंप्लीमेंट एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स. मैं दोबारा पढ़ता हूँ ये जुमला, आप सुने, डब्बे पे अपने नजर रखे जा लिखा हुआ है सर सैयद, यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स. फिर सुने सर सैयद, यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ लॉर्ड मैकॉले. हाँ जी बात जी सर, ये है बात. अच्छा
क्या सर सैयद वाकई लॉर्ड मैकॉले का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे थे? क्या वाकई में सर सैयद वाज़ द एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स? क्या वाकई में ही वाज़ इंप्लीमेंटिंग द एजेंडा ऑफ मैकॉले? इससे पहले कि इस सवाल का जवाब देखे, जरा मेरी बात पर गौर कीजिए। मुसलमानों के दो बड़े बड़े लीडर यूनानिमसली विदाउट हैविंग एनी सेकंड ओपिनियन, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिना, ठीक है जनाब? जी सर। एक लीडर कहता है सर सैयद कि मुस्लिम्स डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, अदरवाइज योर एग्जिस्टेंस एज अ नेशन वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट फॉर एवर। दूसरा लीडर जिना क्या कहते हैं? मुस्लिम्स कम आउट एंड टेक पार्ट इन द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, अदरवाइज योर एग्जिस्टेंस एज अ नेशन फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट वुड बी एलिमिनेटेड फॉर एवर। एक कहता है सियासत में हिस्सा ना लो, सियासत में हिस्सा लिया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। एक कहता है सियासत में हिस्सा लो, अगर हिस्सा ना लिया तो खत्म हो जाओगे। कौन ठीक कहता है, कौन गलत कहता है, कौन सच्चा कौन झूठा? मैं कहता हूं दोनों सच्चे कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड्स के हिसाब से। सर सैयद के दौर में अगर सियासत में हिस्सा लेते तो मारे जाते, और जिन्ना के दौर में अगर सियासत में हिस्सा ना लेते तो अंग्रेज ने चले जाना था और हिंदू हुकूमत में आ जाते और हमेशा के लिए मुसलमानों का एग्जिस्टेंस एज ए नेशन बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। तो अगर एक ही कौम के दो मुख्तलिफ लीडर्स की दो मुख्तलिफ वक्तों पे कही हुई से मुख्तलिफ वाइस वर्सा 180 डिग्री फर्क बातें उसी एक कौम के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो दो मुख्तलिफ कौमों के दो मुख्तलिफ लीडर्स मैकॉले और सर सैयद मुख्तलिफ वक्तों पे कही हुई एक जैसी बातें उसी कौम के लिए बेनिफिशियल साबित क्यों नहीं हो सकती? Hence it has been proved कि whatsoever सर सैयद अहमद खान recommended, whatsoever सर सैयद told to the Muslims, those all things had really become the need of the time and those had got nothing to do with the recommendations given by Lord Macaulay. Yes, incidentally those matched with the recommendations given by Lord Macaulay, but whatever Sir Sayyid was saying, those were not under influence of the Macaulay's recommendations, because you see Sir Sayyid says loyal, try to become loyal with the British government. Mujhe bataiye ki was there any other option available to the Muslims? Had they not sir. become loyal with the Britishers to mari padni thi na bhai, aur abhi ji sir unke competitor ban jao उन्हें भाई, ओ भाई अभी तो सोए थे, मक्तल को सुरखुरू करके अभी तो इतनी मार पड़ी थी 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जी सर, तो वही मार जो है उसके असरात ही खत्म कर रहे हैं सर सैयद, कि फिर मार खानी है उनसे उनके कंपेटिटर बन के, ठीक है? तो ट्रू सर, आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल है। मोर ओवर अगर आप एज अ नेशन रिस्पेक्ट रेकग्निशन चाहते हैं, एज अ नेशन रेकग्निशन चाहते हैं, तो योर रिलीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलीजन जो है इट शुड बी रिस्पेक्टेड, तो यू मस्ट बी हैविंग द सोशल रिस्पेक्ट। जब आपकी सोशल रिस्पेक्ट है तो सोशल रिस्पेक्ट कहां से आएगी? वो आएगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी? वो आएगी जॉब्स से। अब उस जमाने में जॉब्स कहां से आएंगी? वो आएंगी एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से। तो अगर सैयद मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन पे कन्विंस न करते तो मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का एग्जिस्टेंस कहां रह जाना था? ना जॉब्स मिलती इनको, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती, ना सोशल रिस्पेक्ट होती, ना इनके रिलीजन की रिस्पेक्ट होती, ना ये बतौर नेशन रिकॉग्नाइज होते, तो दे वुड हैव बीन क्रश्ड अप टू दिस एक्सटेंट। दैट्स व्हाट द ब्रिटिशर्स वांटेड, टू क्रश द मुस्लिम्स अप टू दिस एक्सटेंट दैट दे वुड नेवर बी एबल टू रेज देयर हेड्स अगेन एज अ नेशन, and they would never be able to raise their heads in order to compete the Britishers, in order to become a threat for the Britishers, in order to become a hazard for the Britishers, and in order to become a source of throwing out the Britishers from the subcontinent. Wo koi baat samajh mein aati hai bhai? Ji sir, bilkul sir. But sir, he was a leader, an educated person with a broader vision. How could he ignored the deep impacts of Trinity reforms? कौन से deep impacts भाई?
बड़े अच्छे इम्पैक्ट हैं उसके। ये जो आप यहाँ बैठी इस वक्त इंग्लिश में मेरे से सवाल पूछ रही हैं और जो मैं आपसे खड़ा इंग्लिश में उर्दू में बात कर रहा हूँ खड़ा, ये सर सैयद की बदौलत है बेटा, वरना अभी हम जी मार सर। खा रहे होते कहीं वहां पे इंडिया में। सर क्योंकि मुख्तलिफ दौर में जो लीडर्स होते हैं और जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं सर, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उस वक्त के हालात के मुताबिक किए जाते हैं। अब वो आने वाले वक्त को देख के नहीं किए जाते। अगर सर सैयद अहमद खान उस वक्त वो हमारे हालात को देख के, मुस्लिम्स के हालात को देख के वो डिसीजंस ना लेते, तो कायद अजम और अलामा इकबाल आने वाले वक्तों में इतनी एजुकेशन ना ले पाते और वो इतने अपने आप को ग्रूम ना कर पाते कि वो फिर सियासत में आते। तो इसलिए जो भी फैसले किए जाते वो उस वक्त के हिसाब से किए जाते हैं। शाबाश, वेरी वेल सेड हसन। देखें कितनी उन्होंने खूबसूरत बात की कि अगर ये इंपैक्ट्स ना होते सर सैयद के स्टेप्स के, तो आपको जिना और इकबाल जैसे, मुसर मलक जैसे, वकार उल मलक जैसे लीडर कहां से मिलने थे? और हैड दिस लीडरशिप नॉट बीन देयर, तो आपने मुस्लिम लीग की मूवमेंट कहां, मुस्लिम लीग कहां से बनानी थी, मुस्लिम की मूवमेंट आपने कैसे चलानी थी, आपने पाकिस्तान कैसे बनाना था? तो डीप इंपैक्ट्स जो है वो जाहिर अंडर कंसिडरेशन थे, तो सोविया तो डीप इंपैक्ट्स तो अच्छे ही आए ना, ट्रिनिटी पॉलिसी के रिफॉर्म्स के बेटा बुरे तो नहीं आए। तो अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि वेदर सर सैयद अहमद खान वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट, ठीक है जी एहसान साहब? जी सर। तो हमें यह देखना है कि सर सैयद प्रो ब्रिटिशर थे या नहीं थे। इसके लिए मैं आपको जरा सा तारीख में लेके जाता हूं कि जिस वक्त मैंने आपको याद होगा बताया था आपको कि सर सैयद इशूड अ पंपलेट विद द नेम ऑफ रसाला बराए असबाबे बगावते हिंद, ये बात हुई थी जी आसान। फिर जी सर। इसको इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और जी इंग्लिश सर। में ट्रांसलेट करके इसको हमने भेजा था इंग्लैंड, जिसमें कि जी सर सर। सैयद ने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवाया था कि भाई ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये सिर्फ लोकल्स का कसूर नहीं था, ये ब्रिटिशर्स आपका भी कसूर था, क्योंकि यू पीपल नेवर प्रोवाइडेड द जनरल मैसेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट विद एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ व्हिच दे वुड हैव कम्युनिकेटेड देयर प्रॉब्लम्स देयर रिजर्वेशंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्लेटफॉर्म तो दो भाई, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि रुतों का कायदा है, वक्त पर ही आती जाती है, तुम्हारे शहर में क्यों रुक गया फरियाद का मौसम? तो भाई जहां फरियाद का दर बंद हो जाता है वहां रिवॉल्ट ऑलवेज टेक्स प्लेस। तो सर सैयद अहमद खान ने व्हेन ही हाईलाइटेड दिस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट अबाउट इट एंड ऑब्वियसली नॉट ओवरनाइट बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सच काइंड ऑफ डिसीजंस टेक प्लेस। तो सर सैयद अहमद खान के रिकमेंडेशंस पे, उनके पॉइंट आउट करने पे, हाईलाइट करने पे 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इदारा यहां पे बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? जी सर। एलन एक्चुवियन ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश ब्यूरोक्रेट था। एलन एक्चुवियन ह्यूम हु हैड बीन प्रोवाइडेड द सर्विसेज इन सब कॉन्टिनेंट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो ही वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ द डिमांड्स, द ओपिनियंस, द डिजायर्स एंड द साइकी ऑफ the Indians. That is why he formed Indian National Congress in 1885. When Indian National Congress was formed, though it was stated that it is a political representative body of all the Indians living here, regardless of their religion, indiscriminately, it belonged to everybody, every people, every person, like Hindus. जी सर। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, मुस्लिम्स भी खुश थे कि हमारी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, सिख भी खुश है, पारसी भी खुश है, सांसी भी खुश है, क्रिश्चियन भी खुश है, हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, क्यों? कि नाउ नो वन वुड बी एबल टू डिप्राइव देम ऑफ फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स as they were all deprived of their rights after the war of independence 1857 or indiscriminate killing hui thi britishers ke jiska jil chaha jisko uthaya usko mara qatl kiya tange todi kode mare to ab aisa nahi hoga kyun now they were having their own political representative body with the name of indian national congress congress ji sir true now this cause this institution which was formed indian national congress it was a liberal organization and first it was the organization who used to represent everybody
up to the mark, with a neutral approach. It used to represent everybody living in here in subcontinent. But in 1890, just after the 5 years of this its inception, what happened? Ke a very, very rigid extremist Hindu, young extremist Hindu, Bal Gangadhar Tilak, B-A-L, Bal Gangadhar Tilak. He was a young Hindu extremist leader. He joined Indian National Congress in 1890 and he converted Indian National Congress into a Hindu favored organization. He converted Indian National Congress into a Hindu favored organization. Ji, ek second. Tasveer mil gayi aap logon ko board ki? Ji, sir. Ji, likhe yahan pe, baki log bhi likhe. Yes, agar tasveer mil gayi hai to board ki. Sir, abhi nahi aayi. Sir, abhi nahi aayi. Edwin bhai, tasveer buzariya daag bhej rahe hain yaar. सर बारिश है ना, इस वजह से डिले हो गई है शायद। तलाईगंज में बारिश हो रही है इस वक्त? सर अभी तो नहीं हुई, लेकिन सुबह हुई है 7 बजे, 7 से 7:30 तक। अच्छा सर, कौन सी ऐसी स्क्रूटनी हो रही है? अहमद शाह कहते हैं कौन सी ऐसी स्क्रूटनी हो रही है जो पिक्चर आ ही नहीं रही अब तक। अहमद शाह तो काफी शरारती चीज है यार है। अच्छा जी, जायदा फारूक आ गई है, शुक्र है जी, बड़ी देर बाद आई मेरी बेटी, आज पहले नजर नहीं आई थी। कराची के थ्रू भेज रहे हैं सर, रास्ते में ही डूब गई है। और कहती रास्ते में डूब गई, तस्वीर कराची से भेजी थी। कराची के रहने वाले लिखे यहाँ पे, को पानी वानी काम हुआ कि नहीं हुआ यार वहां पे? दोबारा आजकल में दोबारा एक्सपेक्टेड थी बारिश आजकल में? ना डरा यार बेचारे, पहले बड़ी मुसीबत में है सर। प्लीज रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रिटिशर का नेम अगेन बता दें। एलन एक्टिवियन ह्यूम, नूरुल हुदा, एलन एक्टिवियन ह्यूम। मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं जी सर थोड़ा कम हुआ है। शजिया कहती हैं कदरे बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी। अमीर हमजा कहते हैं लेकिन इट इज स्टिल रियली वेरी बैड। यस, हफ्सा कहती हैं सर कम हो गया है पानी, पता नहीं जी कितना लोगों का बचा। सर आफ्टर शॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कराची के, ये जो बारिश है, क्योंकि सारे सीवरेज का पानी सड़कों पे आना, बीमारियां और सफाई और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ है। ऑफ कोर्स, ऑफ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, और आई 100% एग्री विद यू असान, आई एम ऑलवेज इंप्रेस्ड। आप हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं, ताकतवर बात होती है आपकी। देखें ये जो इस वक्त नजर आ रहा है ना पानी कराची में, ये तो आ रहा है ना, ये तो है प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन वो इसके जो आफ्टर शॉक्स कह रहे हैं आसान के बाद में बहुत सीरियस हो जानी सूरत हाल। द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, इट्स नेवर नोन के गॉड फॉरबिड्स कोरोना की सेकंड वेव ना आ जाए कहीं, ठीक है जी, अलम आप हेल्थ है ना इस तरीके कार से जी सर, तो ये अल्लाह की जात पाक अपना करम करे जी। असल मसला यही है कराची का कि वो जो पता नहीं अब किसकी पॉलिटिकल हुकूमतों की जिम्मेदारी है, किसकी है कि वो क्यों नहीं, हमेशा ही बारिश होती है, ऐसी भी लुटनी पड़ी। सर असल में एक एक दो चीजें को आप नहीं कह सकते पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि सर आजकल जो भी इस पे मतलब जो अभी राय आ रही है मुख्तलिफ लोगों की और जो ऑथर्स लिख रहे हैं, तो सर वो यही बता रहे हैं कि एक चीज नहीं है ये, मतलब एक तसलसल है पिछले 5-10 सालों का, जिसमें तजावजात भी शामिल हैं, पॉलिसीज भी सही नहीं बनाई गई, और जो पानी के गुजरने के रास्ते हैं, जो नाले हैं इनके बड़े 4-5 कराची के जो नाले हैं, उनके ऊपर तजावजात बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो ये बहुत सारा मलबा है, ये एक दो साल की गेम नहीं है, ये बहुत तसलसल से जो चीज चली आ रही है, फिर उसने एक दिन तो सामने आना ही था, ये तो एक्सपोज ऑफ हो गए हैं। अफसा कहती हैं कि कराची सबका है, लेकिन कराची का तो बिल्कुल, मेरी बेटी आप ठीक कहती हैं, बहुत दिल दुखता है। जो कराची इतनी एक कीमती जगह है पाकिस्तान के लिए कि वहां पे हमारा जो पोर्ट है दैट इज देयर, और हमारा वो मेन सिटी है जो आपके इकोनॉमी का मेन हब है, पता नहीं क्यों उसको इस बुरी तरीके से ट्रीट किया गया कि वहां के रहने वाले भी बेचारे मुसीबत में हैं। बहुत सी दुआएं जी, जो बच्चे वहां पे, सब लोग जो कराची में रहते हैं, बहुत सी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला की जात पाक, जहां जहां जो जो जिस जिस से मिस्टेक हुई है, अल्लाह ताला की जात पाक करे कि वो सब रिमूव हो, कोई ऐसी पॉलिसी अच्छी बने कि वो
अगर किसी जगह सिवरेज है और उस पे उसने किसी ने अपना प्लाजा खड़ा कर दिया है, तो अल्लाह ताला उसके दिल में रैम डाले, या हुकूमत कोई स्टेप ले, कोई भी स्टेप किसी तरीके से, बस आप लोग कराची के लोग जो हैं उनके लिए बेहतरी पैदा हो। वी लव कराची, वी लव द पीपल बिल्कुल ऑफ कराची, और वी लव एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कर क्या सकते हैं ये समझ नहीं आती। बहुत सी दुआ करते हैं, और बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स भी वहां पे कराची में जो स्टेक होल्डर पोजिशन पे हैं, मैं उनको भी हमेशा कहता हूँ कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, व्हाट एवर यू कैन डू फॉर द पुअर पीपल हु आर सफरिंग, प्लीज डू समथिंग, दिस इज द टाइम। हम इन चक्करों में फंसे हुए हैं कि जनाब वो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन चीजों को छोड़े भाई, ये टाइम नहीं है। जी सर, आप अर्तुगरल देखना बंद करें, आप घोड़े पे बैठ के कराची के हालात ठीक नहीं कर सकते। आपको फौरन कुछ करना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे करें, अपनी अपनी केयर करनी शुरू करें, देखें शायद कोई सिस्टम किसी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं, माई हेड स्टार्ट बॉइलिंग और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं देखता हूँ इस वक्त लोगों को तड़पता हुआ। हम लोग जो आप लोग मेरे से इस वक्त बात कर रहे हैं, यू आर द प्रिविलेज पीपल, आप यकीन करें, आपको उतना नुकसान हो भी जाएगा तो आप बच जाएंगे, सर लेकिन वो गरीब रोजी रोटी एक जगह पे फुटपाथ पे बैठ के कमाता था, वो तो कई दिन से भूखा है ना, कई दिन से फाकों पे चला गया वो गरीब आदमी। इन जी सर, बातों पे तो उनका क्या बनेगा, आई एम रियली अफ्रेड ऑफ, मैं सोचता हूँ तो मैं हौसला हो जाता हूँ, कितने लोग भूखे भूखे सो रहे होंगे, जी सर, कितने लोगों के बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे वहां पे, बिल्कुल लेकिन हम लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। मुझे आई एम रियली वंडर्ड कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इंसान हैं। बिल्कुल एनीवे जी, क्या होता है वो कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये मिसरा इस पे कभी गौर कीजिएगा जी सर, कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये आदमी तो है लेकिन वो इंसान नहीं है। इंसान क्यों नहीं है कि इंसानियत से दूर चला गया हुआ है। बहुत मेरा दिल दुखता है इन बातों पे, मैं फिर वो डर के बंद कर देता हूँ चीजें, सोशल मीडिया में नेट भी ऑफ करता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं, मुझे बेबसी का एहसास होता है। मैं क्या कर सकता हूँ अपने लेवल पे रहते हुए, 5, 10, 15, 20, 50, 30 लोगों की मदद करूं और क्या कर लूंगा, लेकिन वो जरूर करता रहता हूं कि चलो वही सही, अपने हिस्से की शमा तो जलाते जाए हम जी समहाउ। सर, ओके, आप लोग भी जो कराची में रहते हैं, जो प्रिविलेज पीपल, कोशिश करें कि आपके घर जो लोग काम करने आते हैं, जिनके घर जो है वो डूब गए हुए हैं, कई कई दिन से खुले आसमान के नीचे, कई दरख्तों के नीचे पनाह लिए हुए बैठे हैं, मुश्किल से पता नहीं कहाँ कहाँ, प्लीज उनकी मदद कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो मेरी बात सुने, आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक मीगर अमाउंट, 4 से 5 हजार रुपए की, ये एक नॉर्मल साइज की फैमिली के लिए महीने का राशन आ जाता है इसमें। जी ये सर, मुझे भी जिंदगी में पहली मरतबा पता चला जब ये कोरोना आया और हमने काम इस पे शुरू किया बहुत से लोगों के लिए, तो आई केम टू नो कि 4 से 5 हजार रुपए में एक फैमिली का राशन पूरे महीने का आ जाता है। यार हमें 4-5 हजार रुपया मैटर ही नहीं करता, अल्लाह का फजल है, हम सारे प्रिविलेज्ड लोग हैं। जी तो सर, प्लीज अपने अपने जहां जहां रहते हैं, जो कोई गरीब है मुसीबत में फंसा हुआ है, 4-5 हजार से इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जाके उसके लिए अगर आप राशन उसको दे दें तो शायद उसका महीना गुजर बिल्कुल सर, जाए और उसके बच्चे भूखे ना रहे। बेशुमार चीजें आ जाती हैं, दालें और वो चीनी और वो क्या होता है ऑयल वगैरह, आटा, मतलब वो भूखा नहीं ना रहेगा, आटा होगा, घी होगा, दालें होंगी, वो चलता रहेगा, जी सिस्टम चालू सर, रहेगा, उनका भूखे नहीं रहेंगे। हाँ वो ये करने की कोशिश करते रहा करें जी, आई एम वेरी सॉरी मैंने आपका नहीं टाइम जाया सर, अच्छी किया। बात है सर, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, तो आप तक 1885 में जब इंडियन नेशनल, यार वो पिक चली गई है भाई। अच्छा जी, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है जी, और ये देखिए कि मैं यहाँ पे ये लॉर्ड मैकॉलेस की रिकमेंडेशन में मिटा रहा हूँ जी, मजबूरन के मैंने लिखी थी, मैंने आपको लिखवा भी दी है ये, सर और आप 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ हिंदू फेवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक। अच्छा जी, तो देखिए जनाब, ये है हमारा आजकल का प्यारा पाकिस्तान, ये गंदा इंडिया, और ये बंगाल। ये जो बंगाल है, इट वॉज अ ह्यूज एरिया, बंगाल जी वॉज, सर, अकेले बंगाल की आबादी जो है वो फ्रांस के बराबर थी उस जमाने के, फ्रांस के बराबर थी, 78.5 मिलियंस।
इसका जो एरिया था बंगाल का 189,000 स्क्वायर माइल्स पे मबनी था जिसका एरिया बंगाल का। अगर आपको मैप पे थोड़ा सा समझ आ रही हो तो मैं पहले आपको एक बात बताऊं कि 1899 से 1905 तक यहां पे एक वॉइस राय आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ही वॉज अ वेरी वेरी इनोवेटिव पर्सन। और फिर हम देखते हैं कि 1905 से लेके 1911 तक यहां पे एक वॉइस राय आता है जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। ये भी वॉइस राय था, ये जरा नोट कर लीजिएगा कि 1899 से 1905 तक एक वॉइस राय आता है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और फिर 1905 से 1911 तक 6 साल एक वॉइस राय आता है जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। ओके ओके। ये जो लॉर्ड कर्जन था ही वॉज अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। ही वेंट टू बंगाल टू विजिट द डिफरेंट एरियाज। एज आई टोल्ड टू यू पीपल कि बंगाल वॉज सच अ ह्यूज एरिया दैट द वायसराय ऑफ इंडिया कुड विजिट बंगाल ओनली वंस इन हिज टेन्योर ऑफ 5 years। इतना वसी एरिया था ये कि 5 साल में वायसराय भी एक ही दफा जा पाता था। तो लॉर्ड कर्जन जब वहां पे गया तो ही ऑब्जर्व कि बंगाल के दो हिस्से हैं। एक समझ लीजिए आप ईस्टर्न बंगाल है, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं इट इज ईस्टर्न बंगाल। टोटल पॉपुलेशन साल मैंने कितनी लिखवाई है बंगाल की आपको? 78.5 मिलियन। शाबाश। इस 78.5 मिलियन में से ये जो ईस्टर्न बंगाल है जो मैंने ग्रीन किया है एरिया बंगाल का आधा उधर ईस्ट साइड वाला, ये इसकी आबादी थी 31 मिलियन। 31 मिलियन। इन 31 मिलियन में से 18 मिलियन जो हैं दोज वर मुस्लिम्स, और 12 मिलियन जो हैं दोज वर हिंदूस, और 1 मिलियन जो हैं दोज वर अदर्स। So, इस तरह यू कैन सी दैट इन द ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। जैसे कि आपने देखा कि 31 मिलियन टोटल रहते हैं जिनमें से 18 मिलियन वर द मुस्लिम्स। अच्छा, ये जो मैं रेड कर रहा हूं एरिया, पहले तो ये देखिए ये वेस्टर्न बंगाल का एरिया है और ये कलकत्ता है जो रेड मैंने गोला बना दिया है, ये कलकत्ता है। तो कलकत्ता में वी कैन सी दैट इट वॉज हैविंग द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। कलकत्ता में गवर्नमेंट की सीट थी। यहां पे गवर्नमेंट की सीट का क्या मतलब है? कैपिटल था गवर्नमेंट का। और ऑल द प्रोग्रेसिव वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट यूज्ड टू टेक प्लेस इन एंड अराउंड कलकत्ता। ठीक है, अमीर हमजा कहते हैं जी पिक रिसीव्ड, वेरी गुड जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, इन एंड अराउंड कलकत्ता, उससे क्या होता था कि द पीपल ऑफ वेस्टर्न बंगाल, जहां पे जी सर कलकत्ता है, वेयर द मेजर living was of the Hindus, and Hindus जो है ये जो western Bengal का area है, it was having full of facilities, it was having full of the communicational networks, the jobs of job opportunities were there, banks were there, courts were there, ports were there, journalism was there, schools, colleges, universities were there, teachers were there, a lot of people were studying there, or the majority living there was of the Hindus, those who used to speak Hindi, which was a superior language in those days. I'm talking about Western Bengal, where the majority of the Hindus was there. Yes, sir. Whereas the Eastern Bengal is concerned, though Lord Curzon observed that at the same time, the people living in eastern side of Bengal, they were really suffering and they were having no communication networks, any roads were going,
they were having no court, their port of Chittagong was not operative, or journalism was not there, banks were not there, schools, colleges, universities were not there, job opportunities were not there, and the majority living there was of the Muslims. They used to speak Bangla, which was an inferior language in those days. So when Lord Curzon observed all this, he became really very much worried about the proper administration in Bengal. So he decided to do something, as I told to you people, okay, he was a very innovative man, Lord Curzon was. He decided to do something for the poor people of Bengal. And in order to do something, he decided to make the partition of Bengal and to create two new provinces, Western Bengal and the other Eastern one Bengal. Was Eastern Bengal. उससे क्या होता है देखिए आपने अक्सर सुना होगा हमारे साउथ पंजाब के जो दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि साउथ पंजाब को न्यू प्रोविंस एक भावलपुर भावनगर वगैरह जो उसे अलग सूबा बनाया जाए तो अलग सूबा बन जाने से क्या होता है भाई आपको अलग टेरिटरी मिलती है अलग रेवेन्यू मिलता है अलग सब्सिडीज मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है अलग गवर्नर मिलता है अलग चीफ मिनिस्टर मिलता है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आपके अपने पास आ जाती हैं and you are unable to make some good for the people of your area. ये new province बनने से होता है. तो इसी तरह जब ये new province बना Eastern Bengal का, तो the people living there were started getting all those facilities which the people of a separate province can attain. जैसे के ढाका का high court बन गया, चटागांग का port operative हो गया, जर्नलिज्म का सिस्टम स्टार्ट हो गया बैंक्स बन गए यूनिवर्सिटीज बननी स्टार्ट हुई कॉलेजेस बने स्कूल्स थे पीपल स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एजुकेशन आना शुरू हुई जॉब्स मिलना शुरू हुई रोड्स बनी नेटवर्क बना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई इससे मेजोरिटी लिविंग देयर वाज ऑफ द मुस्लिम्स स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉस्परस मुसलमानों को फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई ये बात हिंदू को पसंद ना आई एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सीवियर एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और एजिटेशन एहतजाज क्या था मेनली टू रोल बैक द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन जो है उसको रोल बैक करो ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छा जी मोस्ट ऑफुल एस्पेक्ट फॉर द मुस्लिम्स वाज that these agitational works whatever was going on those were going on through the platform of Indian National Congress so Muslims jo the they were really dejected and rejected kis baat pe is baat pe ki yaar Indian National Congress to hamari bhi thi isne khud to hame kya fayda pahunchana Indian National Congress ne agar British government ke kisi step se हमें फायदा पहुंच रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से ये उसको भी कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जोर डाल रहे हैं एजिटेशन कर रहे हैं टू रोल बैक द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कैसा जुल्म है यही तो कयामत है ना कि अगर हमें फायदा पहुंच रहा है तो ये कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन रोल बैक कर दो तो मुसलमान दुखी है डिजेक्टेड है रिजेक्टेड है आसान मुसलमानों का दुखी होना बनता है सर बनता है दुखी है rejected हैं, rejected हैं। बिल्कुल सर, true। ऐसे में मैं आपको क्या कहता हूं सबको कि मेरे साथ प्रवास करने के लिए तैयार हो जाइए अब हम रेडी हैं विजुलाइज करने के लिए चीजें आसान रेडी हैं ओके तो प्रवास की तो पहुंचे एक कोठी का गेट है गेट जी सर, अंदर लंगर लगा हुआ है सर नजर आ रहा है नजर आ रहा है जी सर नजर आ रहा है अंदर लंगर है हाँ कोठी के गेट से हम एंटर हुए साथ ही बड़ा सारा एक लॉन है लॉन में एक बहुत ही ग्रेसफुल से बुजुर्ग हैं जो बैठे अखबार पढ़ रहे हैं ये ग्रेसफुल से बुजुर्ग कौन है ये नवाब मोहसिन अल मलिक हैं जी सर नजर आ रहे हैं नवाब साहब आपको गुड ये नवाब मोहसिन अल मलिक इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं अचानक शदीद टेंशन में आ गए हैं टेंशन में आए तो क्यों टेंशन में आए हैं नोट कीजिए इन्होंने एक स्पीच पढ़ी है स्पीच किसने डिलीवर की है लफ्ज लिखे लॉर्ड मॉर्ले की स्पीच है लॉर्ड मॉर्ले एरो डाल के लिखे लॉर्ड मॉर्ले है कौन सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स
सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स लॉर्ड मॉर्ले ने ये स्पीच कहां की है? उसने ये स्पीच ब्रिटिश पार्लियामेंट में की है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसने स्पीच में ऐसा क्या कहा है जिससे नवाब साहब परेशान हो गए हैं? उसने कहा है, लिखें कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन इन इंडिया, कॉमा, द ओपिनियंस ऑफ द नेटिव्स वुड ऑल्सो बी टेकन, द ओपिनियंस ऑफ द नेटिव्स वुड ऑल्सो बी टेकन। सर इसका क्या मतलब है कि लोकल से भी पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है जी सर। कहता है कि जब नेक्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन देंगे तो लोकल से पूछेंगे कि आपके लिए इसमें क्या क्या रखा जाए। जी सर। ये पढ़ के नवाब साहब परेशान हुई, तो ये तो अच्छी बात है। मैं बताता हूं इसमें परेशानी की बात क्या है। परेशानी की शदीद तरीन बात इसमें यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है नेटिव से भी पूछेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए ओपिनियंस। शाबाश शमीर हमजा, वो कहते हैं आईएनसी नेशनल कांग्रेस से पूछें। ओ भाई, बात ये है कि आप डोर टू डोर जाके तो पूछेंगे नहीं, बिल्कुल। इंडियंस कैसे पूछेंगे आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से? तो आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन है? वो है भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वही है जिसने खुद तो आपको क्या फायदा पहुंचाना, वो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी एक्ट से आपको फायदा पहुंच गया है वो उसको भी कहते हैं रोल बैक कर दो। तो इसका मतलब है कि वो आपसे सिंसियर नहीं है, इंडियन नहीं है। जी सर। तो इस बात पे नवाब साहब परेशान हुए हैं कि तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुसलमानों के हक की कभी बात करेंगे ही नहीं तो मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचेगा ही नहीं। हाँ जी नवाब साहब सही परेशान है सर। ट्रू, बिल्कुल सर, सही परेशान है। अच्छा जी, तो आगा साहब माइक आपका आज ऑपरेटिव है कि नहीं, आपके पास आए कि ना आए? सर विच नवाब? नवाब मोहसिनुल मलिक मुस्तफा जिनकी बात हो रही है। नवाब साहब का काम के नाम पूछ रहे हैं मोहसिनुल मलिक। अच्छा जी, हसान आ गया, बस ले आया? जी सर, है ना, और सुनाई दिया है बस। अच्छा जी, हसान बेटे से लेते हैं इजाजत, बहुत लंबी आज हमने से बात की, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू हसान, जीते रहो, सलामत रहो। और मेरी बात कराएं जी, आप किससे बात कराएंगे? मेरी बात कराएं आप किससे बात कराएं? मेरी बात कराएं जी नायाब अजहर से। आगा फरहान अली कहते हैं कि मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया है। तो बेटा ये लेक्चर किस चीज पे, लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो? जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है मेरे साथ? नायाब। हाँ नायाब, कैसी है बेटा? मैं ठीक, आप ठीक है सर? या आई एम फाइन थैंक यू। क्या हो रहा है नायाब? पढ़ाई। आप, मैं भूल गया हूँ, किस शहर में थी आप? लाहौर में ही। अच्छा चलो फिर ठीक है, तो मतलब तैर के तो नहीं जाना पड़ता ना, कहीं बोट वोट की जरूरत तो नहीं है? नहीं शुक्र। कराची में तो उन्होंने क्रीम बोट भी स्टार्ट कर दी है, मैं देख रहा था, बड़ा दिल दुखा मेरा देख के। अच्छा आसान क्या कहते हैं? सर हर दौर के फिरौन के लिए अल्लाह पाक कोई ना कोई मूसा जरूर भेज देते हैं। हसान यहाँ इस बात की क्या तुक है जी? लॉजिक बताए, मुझे समझ नहीं आई मेरे बेटे बात किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो। ओके नायाब, यहाँ तक कहानी समझ आ रही है आपको? जी सर। ओके तो ये तो नायाब वही है ना, थोड़ा सा बोलती है ना, आपको याद आ गया? याद आ गया, भी मुझे याद आया आपने कहा जी सर, तुम्हें याद आ गया, तो वही है यार। अच्छा चले ठीक है, तो नया प्रैक्टिस किया थोड़ा सा बोलने की कि नहीं की? आज बोलूंगी। बोलेगी, चलो वाह रही हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बस इतना भी नहीं बोलना कि मैं लेक्चर ही नहीं दे सकूँ, ठीक है। अच्छा तो नया बात कहाँ तक पहुंची है? नवाब मोहसिन मलिक साहब परेशान है, परेशानी समझ आ गई है? जी जी। अच्छा तो सही जस्टिफाइड है ना परेशान होने में? जी सर। अच्छा तो नवाब मोहसिन मलिक जो हैं ये परेशान बैठे हैं कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया, इंटरनेशनल कांग्रेस हमारी फेवर की बात कभी करेगी नहीं। तो इन्होंने फौरी तौर पे अपने जो इलीट ग्रुप जो दोस्त थे सारे उस जमाने के मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स, बड़े लिखे लोग, उनको बुलाया,
अपने घर, वो सारे इकट्ठे हो गए। यहाँ पे हमें एक बड़ी ईजाद होती नजर आती है दुनिया में, नायाब सुन रही है? जी सर सुन रही हूं। क्या होती नजर आती है? ईजाद। ईजाद। सारों ने आके कहा मोहसिन, नवाब मोहसिन मलिक को, मोहसिन व्हाट्सअप। तो यहां से फिर व्हाट्सअप बना, ठीक है? अच्छा, ये लिखना देना ना यहाँ पर बनाना देना व्हाट्सएप का मोनोग्राम यहाँ पर। ओके जी, व्हाट्सएप बन गया। तो इन्होंने कहा मोहसिन व्हाट्सएप, तो नवाब मोहसिन मलिक ने सारी बात सुनाई, सारों ने ये बात सुनी, एंड दे यूनैनिमसली केम टू द कंक्लूजन कि ये तो मसला बड़ा गड़बड़ हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी फेवर की बात कभी नहीं करेगी। सो उन्होंने डिसाइड, सबने किया कि हमें खुद जाना चाहिए, किसके पास? वॉयस राय के पास। तो वॉयस राय तब तक आ चुका है लॉर्ड मिंटो, तो वॉयस राय के पास जाना है। अच्छा, तो वॉयस राय के पास तो जाना डिसाइड हो गया। ओ भाई, वॉयस राय से अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? दिस इज द प्रॉब्लम कि वॉयस राय से अपॉइंटमेंट अब कैसे मिले भाई। तो वॉयस राय से अपॉइंटमेंट मोहसिन मलिक साहब ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दूंगा। नया बात समझ आई कैसे? तो नवाब मोहसिन मलिक ने क्या किया, जरा लिंक लिखते जाए साथ साथ। नवाब मोहसिन मलिक का दोस्त है आर्च बोल्ड। आर्च बोल्ड कौन है? वो MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था। आर्च बोल्ड MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था। नवाब मोहसिन मलिक और आर्च बोल्ड MAO कॉलेज में कुलीग रहे हुए, एक दूसरे के साथ हमेशा बहुत साल इकट्ठे रहे हैं वहां पे, तो इसलिए वो इनका बड़ा दोस्त है आर्च बोल्ड। अब एक और लिंक लिखिए, आर्च बोल्ड का कजन है जिसका नाम है डनलिप स्मिथ। डनलिप स्मिथ, डनलिप स्मिथ कौन है? वो सेक्रेटरी टू द वॉइस राय लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो का सेक्रेटरी है। तो नवाब मोहसिन मलिक ने आर्च बोल्ड को खत लिखा कि अपने कजन डनलिप स्मिथ को कह के मुसलमानों के डेलीगेशन को लॉर्ड मिंटो से अपॉइंटमेंट दिला दे। जी सर। नया बात समझ आ गई? जी आ गई सर। लिंक रिपीट करें पूरा। मैं करूं? अच्छा, आर्च बोल्ड MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था जो नवाब का फ्रेंड था। नवाब ने लेटर लिखा आर्च बोल्ड को, कोई लीक को अपने, के हमारी अपॉइंटमेंट करवा दें वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो से। सारा लिंक आपने बीच में गायब कर दिया, पूरी बात फिर सुने। आर्च बोल्ड MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था और नवाब मोहसिन मलिक और आर्च बोल्ड कुलीग रहे थे MAO कॉलेज में बहुत तवील अरसे तक, बहुत दोस्त थे आपस में। और जो नवाब मोहसिन मलिक का दोस्त है आर्च बोल्ड, आर्च बोल्ड का कजन है एक जिसका नाम है डनलिप स्मिथ। डनलिप स्मिथ जो है वो है सेक्रेटरी लॉर्ड मिंटो का। तो नवाब मोहसिन मलिक ने आर्च बोल्ड को खत लिखा और उसको कहा कि आर्च बोल्ड अपने कजन डनलिप स्मिथ को खत लिख, जो के सेक्रेटरी है लॉर्ड मिंटो का, उसको कह डनलिप स्मिथ को कि मुसलमानों के डेलीगेशन को लॉर्ड मिंटो से अपॉइंटमेंट दिला दे, हमने कोई जरूरी बात करनी है। अब बात पूरी समझ आ गई ना आप? जी जी सर। वो लिख रहे हैं जी आपके बारे में कि नायाब ने पूरे महीने के लफ्ज इकट्ठे बोल दिए बेचारी। भाई नायाब बेटा, तू तो लड़कियों का नाम डबो देगी सारा बोलने में, हैं? ये तो सुनने में तो लड़कियां बहुत बोलती हैं भाई, तू तो बोलती नहीं बेटा। अच्छा, वहां पे सारी ला रही है कि हाँ मैं नहीं बोलती, मुझे क्या नजर आ रहा है सारी ला रही है, मुंह से बोलो। नया जी जी, मेरा बेटा ना उसका छोटा सा ताया का फोन आता है बाहर से, तो वो कहता है अलीशान बेटे क्रिकेट खेल रहे हो? वो क्या कह रहा है? यार उसको नजर आ रहा है तू सारे ला रहा है, मुंह से बोल भाई। अच्छा जी, तो नया बोल के बात करते हैं भाई। ओके अच्छा सर, ऐसा चलिए, बड़ी मेहरबानी। अब मैं देखता हूँ नया आपका बोलती हो कितना बोलती है। हाँ जी, तो नवाब मोहसिन मलिक का ये खत मिला आर्च बोल्ड को और आर्च बोल्ड ने कहा कि मोहसिन मलिक यू आर जस्टिफाइड, वाकई आपको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। उसने बात की डनलिप स्मिथ से जो उसका कजन था, डनलिप स्मिथ को ये लिखा कि हमें अपने बॉस लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों को अपॉइंटमेंट दिला दे, तो उसने अपॉइंटमेंट दिला दी। आर्च बोल्ड के कहने पे डनलिप स्मिथ ने लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों के डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिला दी और ये 36 पीपल हेडेड बाई सर आगा खान
ये पहुंचे जनाबे अली शिमला, क्योंकि वो था उस वक्त लॉर्ड मिंटो शिमला गया हुआ था छुट्टियां गुजारने, ये उसकी छुट्टियां हराम करने शिमला पहुंच गए। नया बात समझ आ रही है? जी सर ओके, शिमला पहुंच गए, जाके कहने लगे लॉर्ड मिंटो साहब, क्या कहते हैं लॉर्ड मिंटो साहब? नहीं लॉर्ड मिंटो साहब बोलो कैसे? लॉर्ड मिंटो साहब ऐसे कहते, लॉर्ड मिंटो ने कहना था, हंस क्यों रहे हो, चलो बाहर निकलो सारे। अच्छा जी, इन्होंने कहा लॉर्ड मिंटो साहब, आपने लॉर्ड मॉर्ले की स्पीच पढ़ी होगी जिसमें उसने कहा है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया तो द नेटिव्स वुड आल्सो बी आस्क्ड कि आपकी ओपिनियंस, आपके डिजायर्स क्या हैं। उसने कहा हाँ, लॉर्ड मिंटो ने कहा मैंने पढ़ी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा जनाब हमें डर ये है कि आप लोग पूछेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमारे फायदे की बात मुस्लिम्स के कभी करेगी नहीं, जैसा कि लॉर्ड मिंटो साहब आपके एक्ट से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है ब्रिटिशर्स के जरिए, उससे मुसलमानों को वे हैव बीन बेनिफिटेड, तो अगर आपके किसी एक्ट से हुआ हुआ बेनिफिट उन्हें गवारा नहीं है और वो एजिटेशन कर रहे हैं आपके खिलाफ टू रोल बैक द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हमारे वो फायदे की बात भला क्यों करेंगे, तो इसलिए हम खुद आपके पास आ गए हैं कि हम आपको बता दें कि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उसमें मुसलमानों के लिए क्या कुछ रखें। 36 लोगों का ये डेलीगेशन है हेडेड बाय सर आगा खान, और मिंटो को कहते हैं कि मिंटो साहब हम इसलिए आए हैं कि आपको खुद बता दें अपनी ओपिनियंस, अपनी डिजायर्स, ताकि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाए तो उसमें मुसलमानों के लिए ये चीजें रख दें। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा मुस्लिम गो अहेड, बताओ तुम क्या चाहते हो। नया अब यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है, सर आ रही है। ओके, मेरे साथ रहना, सब लोग मेरे साथ रहे मेंटली। इन्होंने कहा मिंटो साहब जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस बनाए तो प्लीज लॉर्ड मिंटो मुसलमानों को उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना, मिंटो हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे देना नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। ओए मिंटो हमारा हाई कोर्ट में कोई जज नहीं है, हमारा कोई जज मुसलमान हाई कोर्ट में होना चाहिए, मिंटो हमें जॉब्स में कोटे दे दे, मिंटो मिंटो MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दे, ओए मिंटो हमें सोशल प्रोटेक्शन दे दे, मिंटो मिंटो सुन रहा है ना तू? हाँ जी जी सर, नया की बात समझ आ गई? जी सर। मिंटो ने ये सारी बातें सुनी और कहा कि मुस्लिम्स ऑल ऑफ योर डिमांड्स आर जस्टिफाइड एंड आर ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स एंड आई बीइंग द वॉइसराय ऑफ इंडिया मेक यू अश्योर दैट इफ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन अंडर माई वॉइसरॉयलिटी तो योर डिमांड्स वुड बी अपहेल्ड बिकॉज ऑल ऑफ योर डिमांड्स आर जस्टिफाइड एंड आर ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स। ठीक है जी, जी सर। अकीला अनम लिख रही है मिंटो ये हाथ मुझे दे दे मिंटो। नहीं भाई वो मिंटो था, ठाकुर तो नहीं था कोई। अच्छा जी, वेल सेड यार। अच्छा जी, तो क्या बात बनी, मिंटो ने क्या कहा है नायाब? उन्होंने कहा है कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी जिसमें आपकी प्रोटेक्शन होगी। ये कब कहा उसने? और उसने कहा बीबी कि मुस्लिम्स ऑल ऑफ योर डिमांड्स आर जस्टिफाइड एंड आर ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स एंड आई मेक यू अश्योर दैट इफ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन अंडर माय वॉइसरॉयलिटी तो योर डिमांड्स वुड बी अपहेल्ड, अगर मेरे अंडर दी गई तो आपकी सारी डिमांड्स मैं मानूंगा। ठीक है ना आप? जी सर। अब ये हो गया जी वादा। तो उस जमाने में अंग्रेज का वादा समझा जाता था कि आधा काम हो गया, तो मुस्लिम्स वहां से, या नायाब को बड़ी मुश्किल पड़ रही है बोलने में, नायाब बेटी से लेते इजाजत जी किसी बोलने वाले बच्चे के पास चलते हैं। नायाब थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग यू बेटे, आई एम वेरी सॉरी मैं आपको फोर्स करके थोड़ा बहुत बुलवाने की। नहीं 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 सर, ठीक है सारा बेटा नाश्ता भी दे, एनर्जी भी जाया होती बेटे तेरी बोलने में। ठीक है ओके नायाब, कहाँ जाएंगे जी? अब हम जाएंगे ज़ायदा फारूक के पास, कराची वाले जी। जी जनाब, हेलो।
अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जायद अमीर बेटी, कैसी है भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके जायदा, यहाँ तक बात आपको समझ आई कि लॉर्ड मिंटो ने वादा कर लिया कि वो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस जब देगा तो मुसलमानों की बातें मान लेगा, सारी डन है? जी सर, डन हो गया। ये सारे खुश हो गए जो डेलीगेशन किया हुआ था, क्योंकि अंग्रेज का वादा उस जमाने में समझा जाता था कि बात होगी पक्की पक्की, तो ये खुशी खुशी वापस आए शिमला से, बॉम्बे वापस पहुंचे, रास्ते में खुशियों में ट्रेनों की छतों पे चढ़ गए, चल छैया छैया खुशियों, ढोल ताशे भंगड़े, और बॉम्बे पहुंचे, और बॉम्बे पहुंच के उन्होंने सबको बताया कि हम कामयाब हो गए भाई, हम कामयाब हो गए। तो हम पढ़ क्या रहे थे ज्यादा, हम पढ़ रहे थे कि वेदर सर सैयद वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट, ठीक है? जी जी ओके। तो ये खुश हैं, ऐसे में एक दूसरे को बताते फिरते हैं कि हम कामयाब हो गए। ऐसे में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि सर सैयद अहमद खान का बनाया हुआ एक इदारा था, उसकी एनुअल मीटिंग आ गई। उस एनुअल मीटिंग में नवाब सलीमुल्ला, मोसनुल मलक, विकारुल मलक जैसे तमाम सरकर्दा एलीट मुस्लिम लीडर जो थे वो सारे मौजूद थे। तो इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग ये जो हो रही है 30th दिसंबर 1930 ढाका के मकाम पे हो रही है, और इसमें बात करते हुए जब इन्होंने बताया कि हमें ये सारी कामयाबियां ऐसे मिली, और लॉर्ड मिंटो को हमने ये कुछ कहा और मिंटो ने एग्री किया सब बातों से और कहा क्योंकि आपकी डिमांड्स जस्टिफाइड हैं और स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हैं, दैट इज व्हाई आई मेक यू श्योर दैट इफ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन इन सब कॉन्टिनेंट अंडर माय वॉयसरलिटी, तो योर डिमांड्स वुड बी अपहेल्ड। तो सारों ने कहा वेरी गुड, बल्ले बल्ले हो गए भाई। सारों ने कहा जाहिदा कि इज इट सो सिंपल, बल्ले अगर हमारी डिमांड जस्टिफाइड हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी की सारी मान लेती है, तो जवाब मिला लगता तो ऐसा ही है। तो फिर सवाल ये उठा कि अब तक कभी क्यों नहीं हमारी बातें मानी गई, तो जवाब ये बना सबका यूनानिमसली मिलके कि जनाब आज तक कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारी डिमांड्स ऊपर तक पहुंचाई ही नहीं, तो कैसे मान ली जाती हमारी बात जब ऊपर तक पहुंची नहीं सही तरह से। तो देन यूनानिमसली इट वाज डिसाइडेड अमंग दैट पीपल, अमंग ऑल दोस पीपल ऑफ दैट हाउस जो वहां बैठे थे, कि देन व्हाई नॉट टू हैव अवर ओन सेपरेट पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी विद द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 30th दिसंबर 1930 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग, और इसमें क्या बन जाती है जी, इसमें बन जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। समझ आई शायद आपको? जी सर समझ आ गया। जल्दी बोला करो, किधर हो, जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, यस नो? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुने, पूरा एक चेन चलने लगा, ध्यान रखना, मुंह मिस नहीं, एक चीज मिस नहीं करनी। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए 30th दिसंबर 1906 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एनुअल इजलास, इसमें मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग बनती है तो कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स आती है, कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स आती है तो प्लेटफॉर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है, प्लेटफॉर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है। तो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन होती है, लाहौर रेजोल्यूशन होती है तो वही पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनती है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनती है तो पाकिस्तान बनता है। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान पाकिस्तान रेजोल्यूशन से बना, पाकिस्तान रेजोल्यूशन आई लाहौर रेजोल्यूशन से, लाहौर रेजोल्यूशन कहां से आई, लाहौर रेजोल्यूशन आई स्ट्रगल फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्ट्रगल फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान कहां से आई, वो कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स से आई, कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स कहां से आई, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या कैसे बन गई, वो शिमला डेलीगेशन की इनकरेजमेंट से बनी। शिमला डेलीगेशन की इनकरेजमेंट कहां से आई, वो शिमला डेलीगेशन से आई। शिमला डेलीगेशन कैसे हुई, वो लॉर्ड, वो नवाब मोसनुल मलक ने आर्च बोल्ड के जरिए डनलप स्मिथ को कह के अपॉइंटमेंट लेके दिलाई। आर्च बोल्ड ने डनलप स्मिथ के जरिए ये अपॉइंटमेंट कैसे दिलाई,
उसने ये इसलिए दिलाई कि वो एमयू कॉलेज का प्रिंसिपल था और मोस्टर मलक और नवाब मोस्टर मलक और आर्ट बोर्ड वाई इकट्ठे काम करते रहे थे, कुलीग रहे हुए थे, इसलिए दिलाई। एमयू कॉलेज क्या था? वो एमएओ स्कूल था। एमएओ स्कूल क्या था? वो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। तो मैं ये कहता हूं कि अगर सर सैयद अहमद खान ना होते तो एमयू स्कूल ना होता, एमयू स्कूल ना होता तो एमयू कॉलेज ना होता, एमयू कॉलेज ना होता तो नवाब मोहसिन अल मलक और आर्चबोल्ड एक दूसरे के कुलीग ना होते। वो कुलीग ना होते तो मोहम्मद तो और पार्ट शिमला डेलीगेशन की अपॉइंटमेंट ना मिलती, शिमला डेलीगेशन की अपॉइंटमेंट ना मिलती तो शिमला डेलीगेशन ना में होती तो उसके जरिए मिलने वाली इनकरेजमेंट ना होती, वो इनकरेजमेंट ना होती तो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन ना होती जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में हुई थी। सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलप ना की होती तो वो इजलास ना होता, वो इजलास ना होता, शिमला डेलीगेशन की इनकरेजमेंट ना होती तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ना होती, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ना होती तो स्ट्रगल फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स ना होती, कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स ना होती तो स्ट्रगल ना होती, स्ट्रगल ना होती तो लाहौर रेजोल्यूशन ना होती, लाहौर रेजोल्यूशन ना होती तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन ना होती, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ना होती तो पाकिस्तान ना होता। तो मुझे कहने दीजिए कि अगर सर सैयद अहमद खान ना होते तो पाकिस्तान ना होता। जी सर, वो कोई बात समझ में आई भाई? जी सर। ये है पूरा एक एन के सर सैयद अहमद खान वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट, एक इट्स अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स जो कि मैंने आपको सारा बताया जी। तो मैं ये कहता हूं कि सर सैयद अहमद खान ने जो भी व्हाट एवर ही डिड दैट वाज एंटायरली इन द फेवर ऑफ the Muslims and whatever steps he took, those had really become the need of the time and the people who used to allegate Sir Sayyid Ahmed Khan he was implementing the agenda of Lord Macaulay, the people were entirely wrong in their approach. So Sir Sayyid Ahmed Khan ne musalmanon ko na sirf social aspect mein uthaya, economic aspect mein uthaya, religious aspect mein uthaya और सर सैयद ने मुसलमानों को एज अ नेशन जो है एक सेपरेट रिकग्निशन दी। तभी तो हम खिंचतान के सर सैयद अहमद खान को फादर ऑफ द टू नेशन थ्योरी भी कह देते हैं। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में कहते हैं कि ही वाज द वन हु सेव्ड द मुस्लिम्स फ्रॉम द स्वियर रेवलरी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ही मैनेज टू एलिमिनेट द रेवलरी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ही मैनेज टू eliminate the enmity of the Muslims with the Britishers, due to which the Muslims were having severe attitude towards the Muslims. Agar aapko yaad ho to maine aapko ek box banwaya tha consequences of the war of independence mein, zyada wahan pahunche maine box ye banaya tha, box jo banwaya tha isme humne likha tha के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। जी सर, स्टार बनवाया था। ये जो पिक आपके पास बोर्ड की आई है, ये पिक आ गई आपके पास साहिदा? जी सर। जरा मेरा बेटा इसको पिक को देखना शुरू करे, कहां से स्टार्ट होती है चेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके जी सर, 1774 से स्टार्ट होता है जी। अच्छा, अब देखें कुछ चीजें इसमें बॉक्स में डाल के मैंने रेड लिख दी हैं, नजर आ रही हैं आपको पिक में? जी सर, आ रही हैं। ओके, देखें यहां पे स्टेक होल्डर्स हैं तीन, कौन कौन? ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स एंड हिंदूस। ओके, ज्यादा इन तीनों में से, ब्रिटिशर्स, हिंदूस एंड मुस्लिम्स, इन तीनों में से इस पोजिशन में कौन है कि कोई चीज इंप्लीमेंट कर दे? ब्रिटिशर्स। शाबाश, ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स, दे वर इन रूल। अच्छा,
यहां के ये जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रिटिशर्स, हिंदूज और मुस्लिम्स, इनमें से कोई दो या तीनों आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन बनाएंगे तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेड नहीं है थ्रू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये आपस में बात हो रही है। डन हो गया जी? जी सर। ओके,